हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन हुए 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए या फिर 10 दिन हो गए, लेकिन पासपोर्ट का अभी तक कुछ उसका क्लियर हमें पता नहीं चल रहा भाई कि पासपोर्ट आएगा भी या फिर नहीं आएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन से रीजन की वजह से हमारा पासपोर्ट नहीं आ रहा है। बेसिकली आप सभी लोगों का ये सेम सिमिलर क्वेश्चन होगा, भाई हमने तो पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया, कौन से रीजंस की वजह से हमारा पासपोर्ट हमारे पास नहीं आ रहा है। तो भाई आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एंजॉय करो, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि कौन से रीजन की वजह से हमारा पासपोर्ट नहीं आया होगा। देखो पहला रीजन, देखो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमें लगता है कि भाई अब हमारा यहाँ से काम हो गया है, लेकिन ना भाई, हमारा तो काम हो गया लेकिन हमारी फाइल उसके बाद एसपी ऑफिस जाती है। और अगर इन पास्ट में कभी भी अगर आपके नाम से कोई केस हुआ होगा, जैसे झगड़े के चक्कर में हुआ हो या फिर किसी भी रीजन से हुआ हो, और वो फाइल जो है अगर पुलिस वालों को एसपी ऑफिस में जब आपकी फाइल रिव्यू में रहती है तो वहां पर मिल जाता है, तो फिर आपकी फाइल को वहीं पर रोक दिया जाता है। कुछ लोग स्टेटस चेक करते हैं कि योर पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। तो इसका मतलब आप यही समझ लेना कि आपकी फाइल आपके थाने पर या फिर आपके एसपी ऑफिस में रुकी हुई है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। देखो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद तो हमारी फाइल एसपी ऑफिस जाती है, उसके बाद हमारी फाइल आरपीओ जाती है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में भी तो काम होता है, आरपीओ में भी काम होता है। क्यों? देखो आरपीओ में आपकी मार्कशीट को वेरीफाई किया जाता है। अभी हम लोग सोचते हैं पुलिस वेरिफिकेशन करा दे तो हमारा पासपोर्ट जल्दी आ जाना चाहिए, भाई कैसे आ जाएगा? जब तक आपके मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है सारे डॉक्यूमेंट का वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा? तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जब आपकी फाइल जाती है तो वहां पर सबसे पहली चीज है कि आपके मार्कशीट को वेरीफाई किया जाता है कि आपकी जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। ये वेरीफाई करने के लिए आपके मार्कशीट को, मतलब जो भी आपने उसमें जेरोक्स लगाया होता है, वो सारे नंबर्स वगैरह जो आपके अनुक्रमांक होते हैं, रोल नंबर होते हैं, उसको बोर्ड के पास भेज दिया जाता है वेरीफाई करने के लिए। तो इसमें मान लो 15 दिन से 6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भाई ऐसे कुछ हम बता नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम आरपीओ भी जाते हैं ना अपॉइंटमेंट बुक करके, तो वहां पर भी बोलते हैं भाई महीने में हो जाएगा, 2 महीने में। तो मान के चलो कि अगर आपकी मार्कशीट वेरीफाई के लिए भेज दे लोगे, देखो 100% में 20% लोगों का ही भेजते हैं, बाकी स्कैनर के थ्रू स्कैन करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसमें मतलब क्यूआर कोड नहीं होता है उनको ही दिक्कत ज्यादा होती है। तो अगर आपके मार्कशीट में क्यूआर कोड नहीं है तो मान के चलो अगर मार्कशीट वेरीफाई पे गया तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा पासपोर्ट आने के। थर्ड ऑफ थिंग कि वहां पर फिर से एक बार आपके नाम को मैच कराया जाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ। नंबर फोर्थ, वहां पर आपके डेट ऑफ बर्थ को मैच कराया जाएगा। अगर इन रीजंस में कोई भी रीजंस पकड़ा जा रहा है जिसमें आप गलत है, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट में कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है, तो आपकी फाइल को आरपीओ में रोक दिया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हमें अपने सारे दस्तावेज को लेकर आरपीओ जाना पड़ता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अब वहां जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां से फिर आपका, मतलब एक बार फिर से आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, और अगर सब कुछ सही रहता है तो वहां से आपके पासपोर्ट को within 2 or 5 days के अंदर डिस्पैच कर दिया जाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद इतने सारे काम रहते हैं। देखो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमेंट्स किया था, दैट्स वाई इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ा, अदरवाइज मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है आपको पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड, तो आप जो है वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना ही हमारा काम है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।